हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरफ बेस्ट क्वेश्चनों को सीरीज लेके आ गई हूँ। आज के सेशन में 50 एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आप अपना स्कोर चेक कीजिए जितना भी आपने अभी तक थ्योरी सेशन में पढ़ा हुआ है। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, मध्य प्रदेश खेल शिक्षक मिडिल एंड प्राइमरी वर्ग 2-3 हो, चाहे एमआरएस हो, चाहे अदर स्टेट की कोई भी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस कोई भी एग्जाम हो, आल एग्जाम के लिए मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन की सभी चीज़ें, थ्योरी सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ऑनलाइन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीज़ चेकआउट करके स्ट्रेटजीज पूर्वक तैयारी कीजिए और डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास ही आपको सफलता बना सकती है, सफलता तक पहुंचा सकती है, पूर्ण बना सकती है। थार्नडाइक के सीखने के 3 नियम आपको याद ही है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों चीज़ें आपके ऊपर, सभी के ऊपर फैक्ट रूप से काम करती हैं। आप तत्पर रहिए, अंदर से मोटिवेट रहिए किसी काम के लिए। दूसरा है अभ्यास का नियम, यानी कि उसको अभ्यास कीजिए इतना बार जब तक आप उसको उसमें परफेक्ट ना हो जाए। एंड प्रभाव का नियम, अपने आप को उसे खुशी महसूस कीजिए कि हमने इतना किया। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, कार्ल डाइम क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, कार्ल डाइम ने ही मशाल दौड़ की शुरुआत की थी। जैसा कि ओलंपिक मशाल जो है खेलों के प्रारंभ होने का एक प्रतीक है, खेलों के प्रारंभ होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया गांव की जीएस के मंदिर से लाई जाती है। वहां इसे सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। सबसे पहले मशाल जलाया गया था 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक हॉलैंड में ज्वाला स्टेडियम के मुख्य द्वार पर। अब पुनः इसको अपनाया गया था 1932 में, लेकिन प्रथम बार आधिकारिक तौर पर मशाल जलाया गया था 1936 बर्लिन ओलंपिक में। ओलंपिक मशाल को ओलंपिया से लेकर सभी महाद्वीपों से होते हुए ओलंपिक के आयोजन स्थल पर लाकर ज्वाला प्रज्वलित की शुरू करने का शुरुआत किया गया, और जिसका श्रेय दिया जाता है कार्ल डाइम ने मशाल दौड़ का प्रस्ताव पारित किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे अधिक पाया जाता है हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है FIG, किस खेल की फेडरेशन है? FIG जिम्नास्टिक खेल की फेडरेशन है। किसकी? जिम्नास्टिक की। FIG यानी इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन, जिसकी स्थापना 23 जुलाई 1881 लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ था। FIG के अंतर्गत आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक यानी कलात्मक जिम्नास्टिक, एंड एक्रोबेटिक्स जिम्नास्टिक, एरोबिक्स जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक एंड ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक आता है। जैसा कि दोस्तों, ओलंपिक में शामिल हुआ जिम्नास्टिक 1896 एथेंस में, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, एंड महिलाओं का जिम्नास्टिक 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में, एंड रिदमिक जिम्नास्टिक को ओलंपिक में 1984 लॉस एंजल्स में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड 2018 यूपीएलटी ग्रेड में पूछा गया था। एंड ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक ओलंपिक में 2000 सिडनी में शामिल किया गया। एंड दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता 3 ही शामिल है, आर्टिस्टिक, रिदमिक एंड ट्रम्पोलिन, जबकि FIG के अंतर्गत आर्टिस्टिक, एक्रोबेटिक्स, एरोबिक्स, रिदमिक एंड ट्रम्पोलिन ये सब आते हैं, बट ओलंपिक में शामिल आर्टिस्टिक, रिदमिक एंड ट्रम्पोलिन ही है। नेक्स्ट दोस्तों, लैरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र किस तंत्र का भाग है? तो ये हमारे बोलने में सहायक होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट दोस्तों, किसी अंग का अधिक प्रयोग होने पर उस अंग की हड्डियों में बाल यानी कि लाइन खींचा हुआ जैसा आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो किसी अंग का आप आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर देंगे, ओवर यूज करेंगे, तो उसमें बाल आ जाता है, तो उसे कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। क्या कहते हैं? स्ट्रेस फ्रैक्चर। और यही स्ट्रेस फ्रैक्चर जब हमारे
टखने यानी कि एंकल, पैर के एंकल में मेटाटार्सल हड्डी में आता है तो उसे मार्स फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट, मांसपेशीय संकुचन के दौरान कैल्शियम आयंस यानी Ca++ को कौन सा प्रोटीन अपनी तरफ आकर्षित करता है? तो दोस्तों यह ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है आकर्षित करता है। ट्रोपोनिन प्रोटीन आकर्षित करता है, जैसा कि आप मांसपेशी के सरकवा सूत्र सिद्धांत को 1954 में H.G. हक्सले ने दिया था कि मांसपेशी कैसे कंट्रैक्ट होता है एंड एक्शन पोटेंशियल जो आता है मांसपेशी की तरफ कैसे कार्य करता है, फिर कैसे कंट्रैक्ट होता है, फिर रेस्ट की स्थिति में कैसे आता है, तो इसके बारे में मैंने बताया हुआ है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट है दोस्तों कि कुल्हे यानी कि हिप की हड्डी का वह कौन सा भाग होता है जहां पर फीमर का सिरा जो है वो फंसा रहता है? तो कौन सा भाग होता है? वह होता है एसेटेबुलम। ठीक है, कौन सा भाग होता है? एसेटेबुलम भाग। नेक्स्ट है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसमें शरीर के अंगों का मापन किया जाता है? तो शरीर के विभिन्न अंगों का मापन करने वाले विज्ञान को एंथ्रोलॉजी मानव शास्त्र कहते हैं। एंथ्रोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्लीट फूड किस भोज्य पदार्थ को कहा जाता है? तो आप सबको पता है संपूर्ण आहार यानी कंप्लीट फूड बोला जाता है मिल्क को। ठीक है, नेक्स्ट है, पेरी ओब्रायन नामक तकनीक का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों पेरी ओब्रायन तकनीकी का संबंध जो है वह है आपका शॉर्ट पुट से। किससे है? शॉर्ट पुट से संबंध है पेरी ओब्रायन तकनीक का। तो शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। पेरी ओब्रायन तकनीक किससे है? ऑर्थोडॉक्स पेरी ओब्रायन एंड एक जो आधुनिक तकनीकी है उसे क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स पेरी ओब्रायन, ये दोनों पुरानी तकनीकी है, जबकि डिस्को पट जो है वह गोला फेंक की यानी कि शॉर्ट पुट की आधुनिक तकनीकी है। एंड दोस्तों हाई जंप में सीजर्स टेक्निक, वेस्टर्न रोल, स्ट्रेडल रोल एंड फॉसवरी फ्लॉप तकनीक का प्रयोग होता है। एंड लॉन्ग जंप में हैंग स्टाइल, हिचकिक एंड सेल स्टाइल प्रयोग होता है। एंड ट्रिपल जंप में फ्लैट टेक्निक, स्टीप टेक्निक एंड मिश्रित टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पेनाल्टी एरिया का संबंध किस खेल से है? तो पेनाल्टी एरिया एंड पेनाल्टी गोल एरिया और पेनाल्टी एरिया, ये दोनों चीज़ें आपका होता है फुटबॉल में। किस में होता है? फुटबॉल में। नेक्स्ट है, शोध के संबंध में स्कोप ऑफ द स्टडी किसे कहा जाता है? शोध यानी रिसर्च के संबंध में स्कोप ऑफ द स्टडी बोला जाता है डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी, डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी को। नेक्स्ट, शोध में उस बिंदु को क्या कहते हैं जो शोधकर्ता के नियंत्रण में नहीं होता? तो उस बिंदु को कहते हैं लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट है, ब्लू प्रिंट ऑफ रिसर्च किसे कहते हैं? तो ब्लू प्रिंट ऑफ रिसर्च बोला जाता है साइनोप्सिस को। नेक्स्ट है, साहित्य यानी कि लिटरेचर जिन्हें शोध रिकॉर्ड रिसर्च रिपोर्ट के दूसरे अध्याय में लिखा जाता है वे कितने प्रकार के होते हैं? वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर नंबर घ राइट है, क्रिटिकल एंड एलाइड लिटरेचर, दो प्रकार के। नेक्स्ट, उस शोध को क्या कहते हैं जो समाज के हित का ध्यान में रखकर किए जाते हैं? उस शोध यानी रिसर्च को क्या कहते हैं जो समाज के हित को ध्यान में रखकर किया जाता है? उसके कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। क्या कहते हैं? अप्लाइड
रिसर्च बोला जाता है उसे। नेक्स्ट है, बोलने में कौन सा तंत्र कार्य करता है? दोस्तों हमारा जो लैरिंग्स होता है, स्वर यंत्र होता है, वही बोलने में काम करता है। बट यहाँ पे लैरिंग्स नहीं दिया है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत लैरिंग्स आता है, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनवर्ड रोटेशन में किस अक्ष पर होता है? तो इनवर्ड आउटवर्ड रोटेशन जो है, इनवर्ड रोटेशन है वर्टिकल एक्सिस पर होता है। कहाँ पे? वर्टिकल एक्सिस पर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बाई एक्सियल ज्वाइंट का उदाहरण बताइए। तो दोस्तों यह चल संधि के अंतर्गत आता है। बाई एक्सियल यानी कि दो अक्ष में गति होता है। कॉन्डिलाइट ज्वाइंट यहाँ पर राइट होगा। कॉन्डिलाइट ज्वाइंट में दो अक्ष में गति होता है, जैसे हमारा कलाई यानी रिस्ट का ज्वाइंट होता है, जो आगे पीछे दोनों तरफ आप झुका सकते हैं, दो अक्ष में गति होता है। जबकि हमारा हिंज ज्वाइंट होता है, जो एक अक्ष में गति होता है, जैसे दरवाजा एक तरफ खुलता है, उस प्रकार हिंज ज्वाइंट में एक अक्ष में गति होता है, जिसमें हमारा कोहनी, घुटना, हमारा उंगलियां आदि आता है। नेक्स्ट दोस्तों, फॉल्स रिब्स कितनी होती हैं? तो फॉल्स रिब्स जो होता है, पांच के पैर में होती हैं। कितनी होती हैं? फॉल्स रिब्स पांच पैर में होती हैं, जैसे कि ट्रू रिब्स होती हैं। ट्रू रिब्स सात पैर में होती हैं और आठवीं, नौवीं, दसवीं आपका फॉल्स रिब्स हो जाएंगी। यानी कि जो पांच होते हैं फॉल्स रिब्स आते हैं, उसी में से दो जो है ग्यारहवीं बारहवीं होती है, उसको फ्लोटिंग रिब्स यानी कि तैरने वाली पसलियां कहती हैं, कहा जाता है। तो जो टू पेयर में होती हैं। नेक्स्ट, आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रथम अध्यक्ष किस देश के रहने वाले थे? तो वो थे रहने वाले ग्रीस के। कहाँ के? ग्रीस के। तो प्रथम अध्यक्ष थे बाइकलास। एंड आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाग। नेक्स्ट, इनमें से विषम क्या है? तो मीडियन, मीन एंड मोड, ये तीनों से क्या कहते हैं, आते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत। बट यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी आपका राइट विषम है, इन तीनों से अलग है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से विषम क्या है? तो यहाँ पे आर से कोरिलेशन इंडिकेट किया जाता है, आई से साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गंतराल, एंड ए से मीन इंडिकेट किया जाता है। बट मीडियन यहाँ पे विषम है, क्योंकि मीडियम जो है यम से इंडिकेट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे यह विषम है, रॉन्ग है। एंड नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो यहाँ पे विषम क्या है आपको छाटना है, तीन सेम है एक विषम है। तो इंटरफ्लेंजियस ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत आता है, यानी कि जो हमारा उंगलियों का ज्वाइंट होता है हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। शोल्डर ज्वाइंट वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहा जाता है, राइट है। अटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट या कॉन्डिलाइट या इलिप्सॉइड ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। जबकि आपका ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे विषम है, क्योंकि कार्पल ज्वाइंट कॉन्डिलाइट नहीं होता है। कॉन्डिलाइट ज्वाइंट जो है कलाई यानी रिस्ट ज्वाइंट होता है। कार्पस एंड टार्सस ज्वाइंट जो होता है वो सैडल या ग्लाइडिंग ज्वाइंट के अंतर्गत आता है, इसलिए ख आपका विषम है। नेक्स्ट, इनमें से क्या विषम है? तो दोस्तों यहाँ पे विषम क्या है, तो यहाँ पे जो हमारे क्रेनियल बोन होती हैं, आठ हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से फ्रंटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, एथिमॉइड, स्फिनॉइड, ये सब अस्थियाँ होती हैं, जिसमें से हमारा जो फ्रंटल हड्डी होती है एक होती है। यहाँ पे दो दिया है, फ्रंटल जो हमारे माथे की हड्डी होती है वो एक होती है, जबकि यहाँ पे दो दिया हुआ है, इसलिए आपका विषम हो जाएगा ग यानी फ्रंटल। फ्रंटल एक होता है, ठीक है, फ्रंटल एक होता है। एंड उसके अलावा आप बाकी सब सही हैं, यानी कि ऑसिपिटल एक होता है जो पीछे की हड्डी होती है,
एंड टेम्पोरल दोनों कान की तरफ होती है, दो होती हैं। पेराइटल दोनों तरफ अगल बगल होती हैं, ये भी दो होता है। नेक्स्ट है निम्न में से विषम क्या है, तो एमाइलेज, लैक्टेज एंड दोस्तों यहाँ पे तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि एमाइलेज लैक्टेज ये दोनों पाचन करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जबकि टाइलिन एंड पेप्सिन ये दोनों पाचन करते हैं प्रोटीन की। नहीं दोस्तों राइट है, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा एमाइलेज लैक्टेज एंड टाइलिन, ट्रिप्सिन आपका पाचन करता है प्रोटीन का, सॉरी। तो एमाइलेज लैक्टेज लैक्टेज एंड टाइलिन जो होता है यह पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का, ये तीनों सिमिलर हैं, बट आपका पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, इसलिए यहाँ पे पेप्सिन आपका विषम होगा। नेक्स्ट है इनमें से क्या विषम है, तो यहाँ पे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ए की कमी से एक जीरोथैल्मिया आँख का रोग हो जाता है, डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है, बट यहाँ पे विषम जो है B1 की कमी से पेलाग्रा नहीं होता, B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, पेलाग्रा B3 की कमी से होता है, यहाँ पे B1 ऑप्शन नंबर ख विषम है। नेक्स्ट है इनमें से क्या विषम है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका विषम क्या है कि 1924 पेरिस, 1908 लंदन एंड 1912 स्टॉकहोम, ये तीनों के तीनों यूरोप महाद्वीप में हुए हैं, जबकि यहाँ पे विषम है क टोक्यो जापान 1964 में पहली बार एशिया महाद्वीप में ओलंपिक आयोजित हुआ, बाकी सभी यूरोप महाद्वीप में आयोजित हुए हैं। नेक्स्ट है निम्न में से विषम क्या है, तो दोस्तों 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक में केडी जाधव ने रेसलिंग में कांस्य पदक जीता था, पहली बार भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले केडी जाधव दी पहले व्यक्ति थे। एंड 2008 में शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था, एंड 2016 में बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था, एंड 2032 में फुटबॉल में भारत ने कोई पदक नहीं जीता था, 1932 में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ पे ख आपका विषम है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो दोस्तों पामेल हास, पैरल बॉल रिंग, ये तीनों पुरुष जिमनास्टिक से संबंधित है, जबकि बीम जो है वह महिला जिमनास्टिक से रिलेटेड है। जिमनास्टिक के बारे में डिटेल में जानने के लिए एथलेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाइए और सभी प्रकार की चीज़ें जिमनास्टिक के ऑल वीडियोज ऑल कंपोनेंट्स के बारे में आप जानिए, थ्योरी सेशन डिटेल में पढ़िए। नेक्स्ट है निम्न में से विषम क्या है, तो मोक फैट यहाँ पे क्या है, मूस पैट स्नेक एंड लैडर्स से संबंधित है, ए राइट है, एंड चौगान जो है पोलो खेल को कहते हैं, पुगलिस्ट बॉक्सिंग के खिलाड़ी को कहते हैं, तीनों राइट है, बट आपका 25 जो है चेस को नहीं कहते, 25 गुलूडो खेल को कहा जाता है, ये आपका विषम है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो यहाँ पे खो खो में एक रेफरी होता है, राइट है, बॉक्सिंग में एक रेफरी होता है, क्रिकेट में भी एक रेफरी होता है बट चार अंपायर होते हैं, लेकिन यहाँ पे फुटबॉल में भी एक रेफरी होता है जबकि दो रेफरी दिया हुआ है, तो ये आपका विषम है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो दोस्तों ये FIVB यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन जो है वह वॉलीबॉल से रिलेटेड है, फीडे चेस यानी शतरंज से रिलेटेड है, फीटा जो है आर्चरी यानी तीरंदाजी से संबंधित है, और फीना जो है तैराकी से संबंधित है, जबकि यहाँ पे नेटबॉल दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन नंबर घ
विषम है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो दोस्तों हमारे हड्डियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सियल कंकाल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल में 80 हड्डियां आती हैं, वह राइट है। अपेंडिकुलर में भी अपेंडिकुलर में दोनों हाथ दोनों पैर कंधे और हसली यानी कलकेनम आता है और हिप आता है। तो ये आपका 126 हड्डियां होती हैं, ये भी राइट है। एंड ह्यूमरस दोस्तों दोनों हाथ मिला करके एक एक होते हैं, दोनों तरफ मोटी हड्डी हमारे कंधे से लेकर कोहनी तक का जो भाग होता है ह्यूमरस दो होता है, ये भी राइट है। जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ स्टर्नम तीन दिया हुआ, जबकि स्टर्नम हमारे जो वक्ष के बीच में मोटी सी हड्डी होती है जिसमें चार दोनों तरफ पसलियाँ बार बार जुड़ी रहती हैं, तो वह स्टर्नम होता है जिसकी संख्या मोल्डी एक होती है, यहाँ पे तीन दिया है इसलिए यहाँ पे विषम है घ। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल ये आयु ज्ञात करने से संबंधित हैं, जबकि मेंटल आईक्यू एंड इंटेलिजेंस क्वेटेंट बराबर एम ए बटा सी ए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 ये आपका संबंधित है। मेंटल इंटेलिजेंस टेंस से और सभी इसके अलावा सभी उम्र ज्ञात करने का एक तरीका है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो दोस्तों लाइफ इज प्ले इज लाइफ थ्योरी दिया है जॉन डीवी ने, ये राइट है। साइको एनालिटिक थ्योरी यानी कि सिगमंड फ्राइड ने दिया है। एंड सोशल यानी सामाजिक थ्योरी एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने दिया है। यहाँ पर रिक्रिएशनल थ्योरी जो है पी डब्ल्यू पैट्रिक ने दिया है, जबकि यहाँ वेस्कॉन दिया है वेस्टसन दिया है, इसलिए यहाँ पे विषम है ख। नेक्स्ट है इनमें से विषम क्या है, तो दोस्तों एस सी बक दोराबजी टाटा एजी नोरन इन तीनों का योगदान है, इन तीनों का योगदान भारत देश के ओलंपिक में प्रतिभाग करने में है, जबकि पीएम जोसेफ को नहीं है। नेक्स्ट इनमें से क्या विषम है, तो दोस्तों विंड गेज हवा का वेग मापता है, अब विंड वांड गेज हवा की दिशा मेजर करता है, एंड प्रेशर गेज हवा का दबाव मेजर करता है, यानी ये तीनों हवा से संबंधित हैं, बट मैजिक आई जो है वह दूरी मापने का दूरी को मापा जाता है, इसके अलावा बाकी सब वायु से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर को विषम होगा। नेक्स्ट है निम्न में से विषम क्या है, तो यहाँ पे क्या विषम है आपको देखना है, तो ओपन वाटर स्विमिंग साइकिलिंग एंड क्रॉस कंट्री ये तीनों के तीनों इंड्योरेंस यानी सहनशीलता से संबंधित है, बट आपका शूटिंग जो है वह लाइट पार्ट है, यह सहनशीलता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से विषम क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या विषम है, यहाँ पे हेरोडोटस जो है इतिहास के पितामह हैं, एंड अरिस्टोटल जो है किन्सियोलॉजी यानी गति विज्ञान पेशी विज्ञान के पितामह हैं, हेरियोडिकस जो है खेल चिकित्सा शास्त्र यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन के पितामह हैं, जबकि माइकल जॉर्डन एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है, तो ये तीनों किसी न किसी चीज़ के पितामह हैं, जबकि माइकल जॉर्डन एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है, इसलिए आपका गो ऑप्शन विषम होगा। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो यहाँ पे आपको देखना है क्या विषम है, तो यहाँ पे 10 पेगिंग आपका विषम है, क्योंकि 10 पेगिंग इक्वेस्ट्रेन खेल से संबंधित है और बाकी सभी जिम्नास्टिक खेल से संबंधित हैं, एलाई रिंग और प्लेटफॉर्म ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। नेक्स्ट है इनमें से विषम क्या है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या विषम है इन सभी में, तो दोस्तों मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी सुब्रतो कप बीसी राय ट्रॉफी
ये चार कोपा कप, ये चारों के चारों आपका फुटबॉल टूर्नामेंट से संबंधित हैं, बट यहाँ पे मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी, सुब्रतो कप, बीसी राय ट्रॉफी, ये आपका इंडियन फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम है, जबकि कोपा कप आपका अमेरिका के फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम है, इसलिए ग आपका विषम है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड एंड अर्जुन अवार्ड, ये तीनों के तीनों खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, बट द्रोणाचार्य अवार्ड एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, इसलिए यह सभी से विषम है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों HBPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र की स्थापना 1914 में हुआ था। YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना SC बक ने 1920 में किया था। LNIP नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल रचिमाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। एंड NSNIS नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना 7 मई 1961 को पटियाला में हुआ था, जबकि यहाँ पे 1965 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये विषम है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो दोस्तों यहाँ पे विषम क्या है, यहाँ पे जयपुर आपका विषम है। क्यों विषम है? क्योंकि कोलकाता, बंगलौर, गांधीनगर, कोलकाता, बंगलौर एंड गांधीनगर, ये तीनों के तीनों आपके किसके पार्ट हैं? साई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल सेंटर हैं। इसके साई के तीन रीजनल सेंटर हैं, यानी क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिसमें से बंगलौर, कोलकाता, चंडीगढ़, दिल्ली, गांधीनगर, इम्फाल आदि आता है, जिसका ट्रिक मैंने बताया हुआ है चंगाई बंदी। तो उस वाले पार्ट को आप स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले वीडियो को देख लीजिएगा, सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से विषम क्या है? निम्न में से विषम क्या है दोस्तों? मन्नार, सिलारो एंड शिलांग, ये तीनों के तीनों हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है, बट दार्जिलिंग आपका कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, इसलिए आपका खौर विषम होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विषम है? तो दोस्तों यहाँ पे चारों के चारों हॉकी खिलाड़ी हैं, KD सिंह बाबू, बलबीर सिंह, लाल शाह बुखारी एंड रूप सिंह। यहाँ पे रूप सिंह इसलिए विषम है क्योंकि रूप सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान नहीं रहे हैं, बाकी सभी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या विषम है। तो पूर्णिमा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, पूर्णिमा ट्रॉफी वॉलीबॉल से है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से है, बेगम हजरत महल ट्रॉफी यह बास्केटबॉल से है। तो यहाँ पे सभी क्या है, यहाँ पे सभी चीजें एक महिला राष्ट्रीय ट्रॉफी के नाम है खेलों के, बट राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग, एक कोचिंग स्कीम का नाम था, राजकुमारी अमित कौर स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या इसमें विषम है। तो यहाँ पे 1932 जो है का ओलंपिक अमेरिका में आयोजित हुआ था, लॉस एंजिल्स अमेरिका, एंड बाकी सब 1948 लंदन ओलंपिक, 1952 हेलसिंकी फिनलैंड, 1960 रोम, ये तीनों के तीनों आपके यूरोप महाद्वीप के आयोजित हुए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी,
एंड मस्कुलर इंड्योरेंस एंड एजिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस, ये तीनों के तीनों हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस हैं, जबकि स्पीड आपका मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है, इसलिए आपका ख विषम है। नेक्स्ट है इनमें से विषम क्या है, तो यहाँ पे बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर, वाटर वेइंग मेथड एंड स्किन फोल्ड कैलिपर, ये सभी लीन बॉडी मास को मापते हैं, बट बीएमआई जो है बॉडी कंपोजिशन को मापता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंतर्गत 51 एमसीक्यू क्वेश्चंस था। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताइए, उसको सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा सब मिलकर। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।